देखो तो इसके अंदर डॉपलर इफेक्ट के अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें पहले रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज मैंने लिखवा रखे हैं ताकि रिवाइज हो जाएं फॉर्मूलाज। तो पहला फॉर्मूला क्या किया था, अगर सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी का, वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट। लास्ट टाइम फर्स्ट फॉर्मूला हमने ऐसा किया। अगर मान लो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ तो ये फॉर्मूला किया। अगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं दोनों तो हमने ये फॉर्मूला किया। क्लियर है यहां तक? ये सारे फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने किए थे। और ये भी किया था कि अगर कोई कार चलती हुई आ रही है और वो यहां पे इसको साउंड को वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो ऐसे केस में जो फ्रिक्वेंसी होगी, मैंने दो केस बनाए कि दीवार सुन रही है फिर हमने केस किए थे, लेकिन आपने ये डायरेक्ट फॉर्मूला करना है कुछ नहीं करना। तो ये फॉर्मूला भी किया था कि अगर कोई जो फ्रिक्वेंसी जो की वैल्यू क्या होगी अगर कोई कार में से सायरन में से फ्रिक्वेंसी निकल रही है और दीवार से टकरा के वापस आ रही है तो फॉर्मूला करना। ये बहुत आता है पेपर में, मेंस में भरे पड़े न्यूमेरिकल इसके ऊपर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं किया था। अगर मान लो कोई ट्रेन सायरन बजाती हुई आगे जा रही है, सोर्स है यानी कि ट्रेन साउंड का सोर्स है, और सुनने वाला ट्रैक पे नहीं खड़ा साइड पे खड़ा है, ये देखो साइड पे खड़ा है। अब क्या प्रॉब्लम है, जितने भी डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूलाज हमने किए वो एक एक्सिस पे हो रहे हैं, सोर्स और ऑब्जर्वर एक ही एक्सिस पे है, चाहे इधर भागे चाहे दोनों इधर जाएं चाहे जैसे मर्जी जाएं, एक एक्सिस है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सोर्स तो ऐसे आ रहा है, ऑब्जर्वर कहीं यहां कहीं दूर खड़ा है। तो आपने क्या करना है, सोर्स का वेलोसिटी का एक कॉम्पोनेंट लेना है अलॉन्ग ऑब्जर्वर। क्या होगा, अगर ये वी एस है तो ये वी एस कॉस थीटा। तो आपने अपनी कैलकुलेशन किसके साथ करनी है, वी एस कॉस थीटा के साथ करनी है। तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला वही लगाना है, ये एक एक्सिस हो गया और सोर्स की स्पीड क्या लेनी है, वी एस ही लेनी, वी एस कॉस थीटा लेनी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वी अपॉन वी माइनस वी एस कॉस थीटा इंटू न्यू नॉट। तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है। अब आप ये सोचें कि ट्रेन पास कर रही है, ये वी एस है, सुनने वाला इसके परपेंडिकुलर खड़ा है, जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगी ट्रेन तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 90। और जब आप अपने उस फॉर्मूले में कॉस ऑफ 90 पुट करेंगे, कॉस 90 जीरो होता है, V से V कैंसल, तो आंसर क्या आएगा, न्यू डैश इक्वल टू न्यू नॉट। तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। इसका मतलब कोई भी अगर एम्बुलेंस या ट्रेन 90 डिग्री पे पास हो रही है, यानी कि ऑब्जर्वर 90 डिग्री पे खड़ा है, तो डॉपलर इफेक्ट वहां पर नहीं लगेगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं सुनाई देगा। तो ये याद रखना है, ठीक है। ये फेमस क्वेश्चन है, एक विसल है वो वर्टिकल सर्कल में घूम रही है, ऐसे सीटी बजती जा रही है वर्टिकल सर्कल में कुछ इस तरीके से, और कोई डिटेक्टर यानी कि ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है, आपको बताना है कि क्या फ्रीक्वेंसी होगी, उसको सुनाई देगी डिटेक्टर को या ऑब्जर्वर को जब ये वर्टिकल सर्कल में घूमेगा। डॉपलर इफेक्ट चार जगह पे लगा के दिखाओ, 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर आप 2 पोजीशन की बात करते हो तो जो 2 पोजीशन है वहां पर वेलोसिटी वीएस है और डिटेक्टर 90 डिग्री पे है, तो एंगल इनके बीच में कितना है, 90। तो डॉपलर इफेक्ट नहीं लगेगा, फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट की न्यू नॉट सुनाई देगी, बात ही खत्म। सिमिलरली पोजीशन नंबर 4 पे भी सेम है, ये वेलोसिटी और ये डिटेक्टर की लाइन कितने एंगल पर है, 90। तो 4 पे भी डॉपलर इफेक्ट नहीं लगेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। लेकिन 1 पोजीशन पे क्या होगा, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है सोर्स की, डिटेक्टर कोने में खड़ा है, तो आपको एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा, क्या, वी एस कॉस थीटा। तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा न्यू डैश इज वी बाय वी माइनस वी एस कॉस थीटा इनटू न्यू नॉट। राइट, क्लियर है यहां तक? तो ट्रेन वाली सेम प्रॉब्लम हो गई, एंगल पे आपने कंपोनेंट ऑफ सोर्स की वेलोसिटी ले लेना, आंसर आ जाएगा। अब कभी कभी, और हाँ, पोजीशन नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहां सोर्स पास आ रहा है यहां सोर्स दूर जा रहा है, दूर में क्या होगा प्लस, पास में क्या होगा माइनस। क्लियर है यहां तक? अब इसमें अगर डिटेक्टर बहुत दूर है तो एंगल थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो एंगल जितना डिटेक्टर दूर होता जाएगा एंगल थीटा उतना ही छोटा होता जाएगा। तो एंगल जितना छोटा होगा कॉस थीटा की वैल्यू, जैसे थीटा अप्रोचिंग टू जीरो हो जाएगा कभी ना कभी, थीटा अप्रोचिंग टू जीरो कॉस जीरो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 1। जब एंगल छोटे होते हैं तो कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेटली 1 लिखा जाता है, तो आपका फॉर्मूला मॉडिफाई होके कॉस थीटा 1 पुट कर देना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर अप्रोक्सीमेट आंसर है प्लीज, वैसे ये फॉर्मूला है और आपकी बुक्स में यही आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि डिटेक्टर क्वेश्चन में गिवन होगा इज वेरी फार अवे। और अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में एंगल दे दिया 30 डिग्री, फिर फार अवे नहीं है, फिर आपको 30 डिग्री के साथ ये आंसर लगाना है।
ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है ये चीज? ठीक। नेक्स्ट है, सपोज एक पुलिस वाला है जिसकी स्पीड 50 मीटर्स पर सेकंड है और इसकी फ्रीक्वेंसी सायरन की 150 के साथ वो मूव करता हुआ आ रहा है, किसकी तरफ? थीफ की तरफ। थीफ आगे भाग रहा है 40 के साथ, तो एक बात बताओ, थीफ को फ्रीक्वेंसी 150 नहीं सुनाई देगी, कुछ नई फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, हम निकाल लेंगे बाय अप्लाइंग डॉपलर इफेक्ट। फिर आगे एक लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर की तरफ जा रहा है थीफ, लाउड स्पीकर 140 के साथ सायरन को बचा रहा है, थीफ को 140 नहीं सुनाई देगी, ज्यादा सुनाई देगी क्योंकि वो इसकी तरफ जा रहा है, तो इधर से सायरन की फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी, इधर से लाउड स्पीकर की अलग सुनाई देगी, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, वो कहेगा नंबर ऑफ बीट्स निकालो कितनी सुनाई देंगी। नंबर ऑफ बीट्स क्या होता है? डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बीट्स। तो आपको क्या निकालना है? डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एक बार डॉपलर इफेक्ट इन पे लगेगा, एक बार इन पे लगेगा, तो दोनों तरफ से फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी और दोनों को माइनस करेंगे। तो इसके अंदर जो पुलिस और थीफ का केस लेते हैं, ये रहा पुलिस और थीफ पे केस नंबर वन। तो ये आपका एक सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। ये हमने किया था, ये हमने क्लास में एक डेरिवेशन की थी या रिजल्ट किया था, जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक आमने सामने आते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है। अब मेरे डायग्राम में किसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया? यू नॉट ने चेंज किया, तो यू नॉट लेफ्ट की तरफ राइट हो गया, तो यू नॉट की स्पीड प्लस की जगह माइनस हो गई। तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या लगेगा इसमें? तो फॉर्मूला मॉडिफाई किया, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले में ऑब्जर्वर कौन है? थीफ, तो 40। सोर्स कौन है? पुलिस, 50। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 150। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये F1 आ जाएगा। एक केस लग गया, F1 निकाल लोगे कैलकुलेशन के साथ। उसके बाद सेकंड केस, थीफ ऑब्जर्वर लाउड स्पीकर की तरफ आ रहा है, स्टेशनरी सोर्स की तरफ जा रहा है, हमने क्लास में ये फॉर्मूला किया था लास्ट टाइम। तो आपको ये थीफ की वेलोसिटी पता है, साउंड की स्पीड 330 पता है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पता है, तो F2 आ गया। तो F1 आ गया, F2 आ गया, नंबर ऑफ बीट्स निकालनी है, दोनों फ्रीक्वेंसीज में से बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो, नंबर ऑफ बीट्स आ जाएंगी आंसर, सॉल्व कर लेना। तो कैसे सोचना है, समझ में आ रहा है यहां तक? तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट फिर से लिखा हुआ है, ये हमने कर लिया, ये सारा केस हमने कर लिया, डॉपलर शिफ्ट हमने कर ली, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, ये भी हमने कर लिया। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट जिसके अंदर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मेंस के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई थी एक, कि नॉर्मल जो डॉपलर इफेक्ट है लाइट के अंदर स्पेशली, उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि जो प्लैनेट की स्पीड या सोर्स की स्पीड है वो छोटी होती है और लाइट की स्पीड तो बहुत बड़ी होती है, तभी हमने बाइनोमियल लगा के सॉल्व किया था। पर एक ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये हमारे कोर्स में नहीं है, जिसमें जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें अगर सपोज करो किसी सोर्स की स्पीड वैसे स्मॉल होती है नॉर्मल डॉपलर इफेक्ट में, पर कंपेरेबल या अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, जैसे स्पीड ऑफ लाइट है 3×10^8 और सोर्स की स्पीड देगा 3×10^5, अब आप ये नहीं कह सकते कि v छोटा है, v भी c के बराबर है, तो फिर डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे। अगर सोर्स पास आ रहा है तो ये फॉर्मूला, दूर जा रहा है तो ये फॉर्मूला, इसका प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं करी। दो फॉर्मूला नोट कर लेने, कंपटीशन में आएंगे, एनसीईआरटी में नहीं आएंगे, नोट कर ले प्लीज। ठीक, एक ही बार आया वैसे इसका क्वेश्चन, ज्यादा नहीं आया। फिर एसएल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी डॉपलर की, तो ये आपका होमवर्क है, सॉल्व भी और अनसॉल्व भी। इसके अंदर जैसे पहली प्रॉब्लम मैं करवाता हूं, ये मैंने आगे शीट में लिखी भी हुई है आगे, तो इसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, सोर्स और ऑब्जर्वर आर अप्रोचिंग टू वन अनदर, तो ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, सोर्स इसने ट्रेन मान लिया, ऑब्जर्वर ये खुद मान गया, विद अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 40। देखो उसने कंफ्यूज कर दिया, उसने आपको ना सोर्स की स्पीड दी ना ऑब्जर्वर की दी, रिलेटिव स्पीड है। अब रिलेटिव स्पीड में दोनों मूव भी कर सकते हैं, और रिलेटिव स्पीड में सोर्स की स्पीड माइनस ऑब्जर्वर की स्पीड की वैल्यू आपको माइनस करने के बाद 40 दे रहा है। अब आपको नहीं पता कि सोर्स की स्पीड क्या है और ऑब्जर्वर की स्पीड क्या, एक्चुअल स्पीड आपको पता नहीं है। तो आगे, अगर ट्रू फ्रीक्वेंसी 1200 है तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बताओ। केस नंबर वन, ऑल वेलोसिटी इज इन द सोर्स अलोन, मतलब कि ऑब्जर्वर किस पे मान रहा है, वो रेस्ट पे, सारी वेलोसिटी सोर्स की, तो सोर्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 40, ताकि 40 माइनस 0 इज अगेन 40, रिलेटिव वेलोसिटी 40 है,
तो यानी कि केस नंबर वन समझ में आ गया कि सोर्स की स्पीड यहां पर 40 है, ऑब्जर्वर की जीरो कर देनी है। तो जब सोर्स पास आता है तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू न्यू, तो फॉर्मूला आइडेंटिफाई हो गया आंसर। फिर सेकेंड केस है ऑल वेलोसिटी इज इन दी ऑब्जर्वर, तो अब यानी कि ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है 40 और सोर्स किस पे है रेस्ट पे, तो ऑब्जर्वर की स्पीड 40 है और सोर्स किस पे है रेस्ट पे। अब ऑब्जर्वर कैसे भागेगा लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट आने का मतलब कि वी यहां पर क्या यूज होगा प्लस, हमने किया था ऑब्जर्वर अगर मान लो सोर्स की तरफ आ रहा है, हमने फॉर्मूला किया था न्यू डैश इज इक्वल टू वी प्लस यू नॉट अपॉन वी वाला फॉर्मूला हमने किया ये केस, तो मतलब फॉर्मूला लगा देना आंसर आ जाएगा खत्म। तो दो केस हो गए, तो एक में सोर्स पास आ रहा है एक में ऑब्जर्वर पास आ रहा है, दोनों फॉर्मूला लग गए। नेक्स्ट है अगर ऑब्जर्वर एंड सोर्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, अब जैसे थर्ड केस है सोर्स मूव इन एयर एट 100 मीटर पर सेकेंड, अब सोर्स की वेलोसिटी दे रहा है 100 है, रिलेटिव वेलोसिटी 40 है, तो ऑब्जर्वर की कितनी है 60 है, माइनस करके निकालनी पड़ेगी 60, तो बस यही है बाकी केस कुछ नहीं है। तो ये 100 हो जाएगी, ये 60 हो जाएगी, और ऑब्जर्वर एंड सोर्स मूव इन द सेम डायरेक्शन गिवन है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, बट ऑब्जर्वर ऑल्सो मूव विद द वेलोसिटी वी नॉट इन द सेम डायरेक्शन। तो ये केस हो गया जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, पर ऑब्जर्वर ने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो प्लस की जगह यहां पर माइनस, फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो पुट कर दो आंसर। तो वो जो थ्योरी में हमने फॉर्मूलाज किए ना बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही फॉर्मूला आपको केस बना के दे रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन है रेलवे इंजन एंड कार आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 144 एंड 72, तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। इंजन इज कॉन्टिन्यूसली साउंडिंग अ विसल, तो ट्रेन विसल कर रही है इसका मतलब वो सोर्स है और कार ऑब्जर्वर है। वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो कार सुनेगी, कार एंड इंजन आर अप्रोचिंग ईच अदर एंड आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। देखो इसमें कुछ नहीं करना, आप इसमें सोर्स यानी कि ट्रेन की स्पीड निकाल लें, आप इसमें जो है कार की स्पीड अलग निकाल लें, तो बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट में ये साइन प्लस ये साइन माइनस आंसर। और अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ऑब्वियसली दोनों ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो दूर भाग रहा है और सोर्स जो है वो पास आ रहा है। तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, जिसने अभी डायरेक्शन चेंज की सिंपल, दोनों ने डायरेक्शन चेंज कर दी मूविंग अवे, पहले पास आ रहे हैं तो ये प्लस ये माइनस, जब दूर जाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि दोनों अपने डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं चेंज। क्लियर है? तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सिर्फ फॉर्मूला कौन सा लगना है बस यही आपको इसमें देखना है। तो इसके अंदर ये सारा आपने होमवर्क करना है, इसके सॉल्व और अनसॉल्व ये सारा आपने काम करना है इसमें। इसके बाद जो अगली शीट है इसमें ये 198 ये एनसीईआरटी की शीट है, तो इसमें क्या गिवन है, सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर अप्रोचिंग ईच अदर विद रिलेटिव वेलोसिटी 40, ये सेम एसएल वाली प्रॉब्लम है, अभी हमने कर ली, इसको करने की जरूरत नहीं है, सेम प्रॉब्लम में हमने कर लिया। नेक्स्ट है सोर्स, ये सेम प्रॉब्लम है, इंजन और कार वाली प्रॉब्लम भी अभी कर ली, एसएल की सेकंड प्रॉब्लम है, बस फर्क क्या है वो थोड़ी बुकिश लैंग्वेज है, मैंने अपने तरीके से कर रखा है, बात एक ही है। नेक्स्ट है इसके अंदर इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखें जरा क्वेश्चन है, ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स, तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ आ रहा है और ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है 1/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, तो v है तो v by 5 हो जाएगी। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, तो इस केस में जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ आ रहा है तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है और इस फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूला क्या लगेगा, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है तो ये प्लस होगा, तो फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लिया ठीक। नेक्स्ट है क्योंकि ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है साउंड की स्पीड से 1/5, तो ये क्या हो जाएगा v/5, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई।
जिसको सुनाई देगी ऑब्जर्वर को, उसने कहा परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ये एक्चुअल थी डिवाइड बाय न्यू नॉट, आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। An observer standing on the railway crossing receives a frequency of 2.2 kHz and 1.8 kHz when train approaching, या train is approaching and recedes from the observer, यानी कि जगह train, एक बंदा खड़ा हुआ है, train अगर पास आती है तो frequency ये है, दूर जाती है frequency ये है, find velocity of the train, train की speed क्या है, दो formula लगेंगे, एक बार train यानी कि source पास आ रहा है तो ये formula, दूर जा रहा है तो plus वाला formula, पास आ रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी 2.2 गिवन है, साउंड की स्पीड 300 गिवन है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इक्वेशन नंबर 1, जब दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी गिवन है 1.8 और ये प्लस हो जाएगा, सेकंड केस, इन दोनों केसेस को डिवाइड या न्यू नॉट कर लेना प्लीज, न्यू नॉट है ये, तो इन दोनों केसेस को डिवाइड कर लेंगे तो न्यू नॉट से न्यू नॉट कैंसिल और वेलोसिटी ऑफ सोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। तो कौन सा केस लगना है समझ में आ रहा है यहां पर? ठीक,